हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले में क्या दिया, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड यस, ठीक है। ये क्या दिए हुए हैं, अक्षर दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसे अंक में कन्वर्ट कर लेंगे। अंक में कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए दोस्तों, ए बी सी डी में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। 26 अक्षर होते हैं तो जेड हमारा 26 नंबर पड़ता है। अगर आपको पता हो कि ये सभी अक्षर किस किस नंबर पढ़ते हैं तो आप बहुत ही डायरेक्टली यानी कि बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जेड हमारा 26 नंबर पड़ेगा, ठीक है। जेड हमारा 26 नंबर पड़ेगा, यस हमारा 19 नंबर पड़ेगा और डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पड़ेगा, ओ हमारा 15 नंबर पड़ेगा और टी हमारा 20 नंबर पड़ेगा, के हमारा 11 नंबर पड़ेगा, क्यू हमारा 17 नंबर पड़ेगा और जी हमारा 7 नंबर पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, ये कैसे सॉल्व किया है कि क्या किया है कि जेड, ठीक है, जेड और डब्ल्यू को लिया है, यानी कि इन इनको छोड़ दिया है, एक एक अक्षर को छोड़ छोड़ के सॉल्व किया है। तो क्या करेंगे, देखिए 26 में से -3 किया है तो कितना आ गया है, 23 आ गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 23 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार हम 23 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। देखिए दोस्तों, टी के स्थान पे 20 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्यू क्यू हमारा 70 नंबर पड़ता है, सॉरी 17 नंबर पड़ता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, करेंगे कि क्यू में से यानी 17 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। तो 14 नंबर पे क्या आता है दोस्तों, यन आता है, ठीक है। क्या आता है, यन। देखिए किस ऑप्शन में अन दिया है, देखिए किस ऑप्शन में एन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। और बी और डी तो गलत हो जाएंगे, ठीक है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यस यहाँ पर क्या दिया है, यस दिया है और ओ दिया है। तो क्या किया है, देखिए दोस्तों, यस हमारा 19 नंबर पड़ता है, ठीक है, और ओ हमारा 15 नंबर पड़ता है। तो यस में से क्या किया है, -4 किया है तो कितना हो गया है, 15 हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11 आ गया। अब 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्या आता है, सी आता है। तो क्या हो जाएगा, यन सी। किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह हमारा यहीं पर है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है, 3F 6G 11I 18L, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, पहले अंक को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले अंक को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या किया है, 3 में क्या किया, 3 में 3 जोड़ दिया है तो 6 हो गया है। फिर 6 में क्या किया है, 6 में 5 जोड़ा है, 6 में 5 जोड़ा तो 11 हो गया। फिर 11 में क्या किया है, 11 में 7 जोड़ा है तो क्या हो गया है, 18, ठीक है। यानी कि 3 फिर 5 फिर 7, यानी कि 2 2 का गैप है, 3 में 2 का गैप है, 5 हो गया है, 5 में 2 का गैप है, 7 का हो गया है, ठीक है। अब 7 में 2 का गैप रहेगा तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, 9 हो जाएगा। अगर हम 18 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, कितना हो जाएगा, 27, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा 27 किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए और सी, दो ऑप्शन में दिए हुए हैं और दो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अक्षर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यफ यफ हमारा 6 नंबर पड़ता है, जी हमारा 7 नंबर पे, तो क्या किया है, यफ में 1 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है। यानी कि 6 में 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या किया है कि 7 में, 7 में क्या जोड़ा है, 7 में 2 जोड़ दिया है तो कितना हो गया है, 9, 9 नंबर पर हमारा आई पड़ता है, ठीक है। अब क्या किया है कि 9 में
दो जोड़ दिया है तो 9 हो गया, ठीक है। और 9 में क्या जोड़ेगा, 9 में 3 जोड़ेगा, 9 में 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 नंबर पे क्या था, यल। देखिए दोस्तों यहाँ पर यल आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या जोड़ेंगे इसमें, 4 जोड़ेंगे, ठीक है। 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16, ठीक है। 16 नंबर पे क्या पड़ता है, पी पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 27 पी। किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान की संख्या को सोल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3, 1/3, 14, 1/14, 25, 1/25 और क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे कि हमारा कोई एक ऑप्शन आ जाए, तो चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, पहले देखिए इनको सोल्व कर लेते हैं जो बट्टा में नहीं दिया हुआ है, 3, 14, 25, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे तो क्या क्या, 3 में क्या किया है कि यहाँ पर 14 हो गया, 3 में प्लस 11 कर दिया है तो 14 हो गया है, फिर 14 में क्या किया है, 14 में फिर प्लस 11 कर दिया है तो 25 हो गया है। फिर 25 में क्या करेंगे, जब इस दोनों में 11 11 जोड़ता आ रहा है तो इसमें भी हम 11 ही जोड़ेंगे, ठीक है। तो 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 36। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, आप 36 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने इसे बहुत ही आसान सॉल्व कर लिया, जो बट्टे में दिया हुआ है इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहीं पर है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी एक ऑप्शन को इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, 17 दिया है, 12 दिया है, 18 दिया है, 11 दिया है और क्वेश्चन मार्क दिया है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्या किया है, 17 में क्या किया है कि 12 आ गया, ठीक है। 12 में क्या किया, 18 आ गया, 18 में क्या किया, 11। देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, हम इसमें एक एक अक्षर छोड़ के सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, 17। दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 17 और 18 को ले लेंगे और 12 को छोड़ देंगे, तो 17 में क्या किया कि 18 आ गया, 17 में एक जोड़ा है तो 18 आ गया, ठीक है। आने की एक जोड़ा तो 18 आ गया, अब क्या करेंगे, 18 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और ऊपर में क्या किया है, 12 में 11 में, देखिए दोस्तों 12 में से एक माइनस कर दिया है तो 11 आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न चिन्ह हमारा यहीं पर है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 3, 8, 11, 19, 30, 49 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसे इनमें से कोई एक अंक लाएं, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या किया है, 3 और 8, 3 और 8 को आपस में जोड़ लिया है तो 11 हो गया है। देखिए 3 और 8 को जोड़ा है तो 11 हो गया है, ठीक है। फिर क्या किया है कि 8 और 11 को जोड़ा है तो 19 हो गया, ठीक है। 8 और 11 को जोड़ा है तो 19 हो गया है। फिर क्या करेंगे, 11 और 19, 11 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 30 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में अगर हम 19 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर 49 आ गया। अब क्या करेंगे कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारी संख्या आ जाए, अब क्या करेंगे कि 30 और 49 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, 79 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।